नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो बेटियां हैं हमारे भारत देश में वो पूजी जाती हैं कन्या के रूप में, और कई रिश्ते जो हैं वो उनके जन्म लेते ही बनते हैं, जैसे माता पिता के, भाई बहन के और भी बहुत सारे रिश्ते। लेकिन जब बेटियां स्कूल जाती हैं, उसके बाद पढ़ती लिखती हैं और अपना करियर बनाती हैं, तो आज अगर मैं कहूँ हमारे भारत देश की जो बेटियां हैं वो फर्श से लेके अर्श तक पहुंच गई हैं, यानी कि जमीन से लेके आसमान तक अपनी उड़ान भर रही हैं। और आज एक ऐसी ही बेटी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, कंचन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिखने में बड़ी नॉर्मल है, लेकिन इनको अगर मैं कहूँ बॉर्डर गर्ल, अगर मैं इनको कहूँ कि माउंटेन गर्ल, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बाइक से इतने कठिन रास्तों में जाती हैं और परचम फहरा रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। तो धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लगता है ये जो आपने शुरू किया आपका सफर, क्योंकि बाइक से जाना, मतलब टू व्हीलर से कहते हैं कि जब हम टू व्हीलर की सवारी करते हैं तो भाई ऐसा होता है कि चारों तरफ की जो ताजी हवा होती है वो हमें मिलती है, लोगों को देखने का मौका मिलता है। और जब हम कार में सफर कर रहे होते हैं तो बंद से हो जाते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन बाइक का सफर जो होता है, मौसम के साथ साथ कहते हैं ना कि आसपास के लोगों से भी एक मुलाकात होती है। और आपका जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ और किसको देखकर आपने इस चीज की शुरुआत की? सबसे पहले तो सुंदर जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल में। जी मेरा मानना है कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं जो घर पर बैठी हैं, स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ज्यादातर तो लड़कियां होती है कि घर पे रहती है, चलो घर का काम हो, चलो वो तो है, तो नॉर्मल ही है, वो तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन आप बाहर की दुनिया भी देखो, तो बाहर की दुनिया एकदम अलग है। मतलब कुछ, अब क्या बोलूं मैं, ऐसे बोलने वाले भी बोलते हैं कि यहाँ लड़कियां क्या क्या नहीं करती है, बहुत कुछ कर जी सकती है। अभी के जमाने में लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बिल्कुल मतलब आप कहीं भी बाहर जाइए तो वो थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हाँ लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर जाती है तो वो मिलती है, समझती है बाहर की, हाँ ये ऐसा करना होता है, इनको ऐसा हैंडल करना होता है। तो उस आधार से आप बाहर जाइए, मिलिए, और आपको जो सीखना है वो सीखिए आप। अब जब तक स्टार्ट नहीं करोगे चीज, तो वो मतलब आगे स्टार्ट चलेगी ही नहीं, गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो वो गाड़ी आपको आगे चलानी पड़ेगी, खुद से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि हाँ मुझे आगे करना है। उसके बाद तो धीरे धीरे वो सारा कुछ आप एडजस्ट कर लेते हो। तो जब ये आपने सफर शुरू किया, कहते हैं ना कई बार जब हम बचपन में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और कई बार ये होता है कि हम किसी को अपना आदर्श मान कर ये अपना कार्य जो है वो शुरू करते हैं। तो कंचन जी ने जब पहली बार बाइक चलाई तो क्या उस समय ये सोचा था कि वो इस प्रकार से बाइक राइडर बनेंगी, इस प्रकार से वो बाइक गर्ल बनेंगी, इस प्रकार से माउंटेन तक पहुंचेंगी? जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो जी जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, छोटे से शहर, मतलब छोटा सा गांव है, बिद्री है मेरा गांव का नाम। तो वहां पर भी देखती थी कि वहां सब बाइक चलाते थे, मतलब लड़के चलाते थे स्पेशली। तो लड़कियां तो गांव में आप किसी को देखे भी नहीं होंगे कि जो लड़की चलाती है। तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि जब वहां लड़के चला सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। तो उस हिसाब से जब मैंने घर पे भी बताया मेरे पापा को, तब उन्होंने मना कर दिया, अरे नहीं, लड़कियां कहाँ चलाती है, कहाँ तुमने देखा है जो लड़कियां चलाती है भाई। तो उस जमाने में मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब वो चीज मेरे मन में रह गया कि नहीं, वो तो मैं करूंगी, मुझे अभी घर वाले मना कर गए, लेकिन बाद में वो जी करूंगी। उसके बाद जैसे जैसे फिर मेरी पढ़ाई यहाँ पे होने लगी, फिर बाहर मैंने अपना स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, तो वो चीज मन में रह गया था कि हाँ वो मुझे कंटिन्यू करना है। तो ये जिक्र मैंने अपने पापा से भी किया था कि पापा मुझे सीखना है, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया था कि नहीं, आप स्कूटी चलाओ बेटा, स्कूटी आराम से लड़कियां चलाती है, तुम हैंडल भी कर पाओगी,
तुमको जहां मन करेगा तुम, मतलब छूट दिया होता है कि हाँ आप जहां जाना आप स्कूटी ले लेते हैं आपके लिए, आप जी चल जाना। फिर बोले कि नहीं पापा मुझे स्कूटी नहीं, मुझे बुलेट चलाना। तो बाइक उस जी बाइक के लिए तो फिर उन्होंने बोला कि मना कर दिया कि नहीं नहीं आप मत चलाना, लड़कियों के लिए नहीं। तो वो चीज थोड़ा सा मन में लगा कि ऐसे क्यों बोल रहे। कि अब एक चीज मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि आप मतलब बाइक चलाओ या बुलेट चलाओ, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। कि बाइक वाला आपको नहीं पूछेगा कि लड़की चला रहा है कि लड़का चला रहा है, आपको सिखाना चाहिए कि हाँ कैसा आप उसको हैंडल करते हैं, कितना अच्छा से आप उसको चलाते हो। तो वो चीज बहुत डिफर करता है उसमें। स्कूटी तो स्कूटी क्या, अभी लड़के लड़के नहीं चलाते, सबसे ज्यादा लड़के चलाते हैं अभी। लड़कियां अभी आ गई है बिल्कुल सही ऑपोजिट में, कहा बुलेट चलाती है अभी, कहाँ भी जी। देख लो। तो वो चीज था कि हाँ चलो अभी। अब उसके द्वारा जैसे मेरी स्टार्ट हुई, अब मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा जर्नी कर पाऊंगी। अब जो जो अभी मैं हूँ, तो वहां तक पहुंचने में भी थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल हुआ है मेरे साथ। बहुत क्या बोलूंगी, अकेली एक सोलो लड़की गई है, सोलो बाइकर जो गई है, इतने सारे बॉर्डर जो टच किया है मैंने, तो वो जी चीज भी वहां पे मतलब देखना, एक्सपीरियंस करना, सबके साथ इतने आर्मी वाले हैं सबके साथ, तो वहां से बातचीत करना, लोकल जो जितने हैं उनसे इंटरेक्ट करना, कि उनसे पूछना कि कैसा है। तो वो लोग भी मुझे देखते थे कि लड़की कैसे चला रही है, इतने मतलब खास सिचुएशन में कैसे चला रही है। तो वो चीज भी उनको लगा कि हाँ अभी जमाना चेंज हो रहा है, लड़कियां अभी कुछ कर रही है आगे। जी। और आपने जैसे कहा कि भाई बाइक लेने के लिए तो पापा ने मना कर दिया था, फिर उसके बाद बाइक सीखी कैसे आपने? ये मैं बताना चाहूंगी, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। तो जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी दिल्ली में, तो मैंने अपने फर्स्ट सैलरी से मैंने बाइक ली। तो वो चीज जी मैंने घर पे नहीं बताई थी कि पापा मैंने बाइक हाँ ली है। हाँ बाद में फिर जब मैं सीख गई थी, उसके बाद मैंने बोला था कि पापा मैंने बाइक ली। तो फिर पापा उस समय बहुत गुस्सा हुए कि आपने लिया हमें बताया नहीं। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे सारा कुछ करने के बाद फिर खुद से मैं सोलो राइड करने लगी। उसके बाद जितना भी ऊपर, जितने नॉर्दर्न हिमालयन है, तो सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया है नॉर्दर्न एरिया। तो धीरे धीरे उसके बाद तो अभी घर वाले तो एडजस्ट हो गए कि चलो लड़की तो कर लेगी, अकेले संभाल लेगी अपने आप को, कर लेगी सब। तो उसके जी। बाद ही फिर और तो जॉब और उसके बाद ये अपना जो शौक है, उन दोनों में कहते हैं कि सामंजस्य बिठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे आप समय निकालती हैं कि अपना शौक भी पूरा कर लेती हैं और अपना जॉब भी आप कंटिन्यू कर रही हैं? हाँ ऐसे प्रोफेशनल मैं सीनियर फार्मासिस्ट हूँ। तो मेरा जैसे जैसे मैं टूर पे भी जाती हूँ, तो अपना एक किट है, मेडिकल किट है, तो सारा कुछ वो इमरजेंसी के लिए मैं लेके जाती हूँ। साथ साथ जैसे अगर कहीं रास्ते में भी इनको लगता है हेल्प होता है, तो मैं एकदम तुरंत हेल्प करने के लिए उतर जाती हूँ कि हाँ चलो एक हेल्प मिल जाए। उसके बाद वैसे जैसे जैसे आगे टूर स्टार्ट होता है, उसका जितने भी वहाँ लोकल पुलिस हो गए, जैसे अभी मैंने हिमाचल सारा कुछ कंप्लीट किया, उत्तराखंड कंप्लीट किया हुआ है, तो वहाँ के जितने लोकल पुलिस वाले हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना। तो वो भी फिर बोलते हैं कि मैडम आप इतना दूर से कैसे जर्नी कर लेते। जब मेरी एक डेस्टिनेशन उनके पास पहुँचती हूँ कि हाँ चलो मैडम दिल्ली से निकल गए हैं, तो वहाँ वो लोग मतलब कैसे पूछते कि आप मैडम कब कैसे आ गए इतना डिस्टेंस कवर करके, वो भी सोलो राइड करके। तो वो चीज उनके फेस में एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ चलो मतलब आज की लड़कियां हैं जो बहुत एडवांस हो गई हैं और संभाल सकती है अपने आप को। तो सारा कुछ कांटेक्ट आपको रखना पड़ेगा, अपना सेफ्टी सारा कुछ देख के, आप कहीं जा रहे हैं तो कोई होटल वोटल तो प्री बुकिंग करके जाइए, आप कैसे रहना है वहां पे, तो सारा कुछ सराउंडिंग देख के फिर चलना पड़ेगा। तो ये माना जाए कि पूरा प्लान आउट करते हैं और निकलने के पहले सारा कुछ कांटेक्ट और उसके बाद होटल की बुकिंग से लेके एवरीथिंग आप पूरा चार्ट बनाते हो और फिर आप निकलते हो सफर पे। मतलब सारा मैं लिख के रखती हूँ कि हाँ चलो आज यहाँ मुझे जर्नी करना है, अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हाँ मैं वहाँ लोकल पुलिस वाले के कांटेक्ट कर सकूँ। अगर कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बाइक मेरी अगर कहीं फंस जाती है,
मैं सीधा पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, वहां पे खड़ी कर देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सर मेरी बाइक है, तो सब मुझे जाते हैं कि मैडम की बाइक है, तो वो इन्फॉर्म करके वहां छोड़ देती हूँ, तो बिंदास होके फिर जहाँ मेरे होटल है जहाँ रहना है वहां फिर स्टे करती हूँ। बढ़िया है। और जैसे मंदिरा बेदी, उनका एक अपना कार्यक्रम आया था, उसमें वो हैवी व्हीकल्स चला रही थी, और ऐसी कई लड़कियां हैं जो बाइकर हैं, तो आपके इस शौक में किसे आप अपना आदर्श मानती हैं? ऐसे तो मैं तो सबसे पहले अपने आप को ही मानूंगी, क्योंकि मुझे आगे पुश करने में मेरे एफर्ट मेरा सबसे ज्यादा है कि हाँ चलो, मैं अपना कॉन्फिडेंस एक होता है ना बढ़ाने के लिए, तो वो मैं अपने जी आप को ही बोलूंगी। हाँ उसके बाद तो धीरे धीरे अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी आगे आ रही है, तो वो भी मतलब सारे अपने अपने एक सिचुएशन से उठ के आ रहे हैं, मतलब सबका वो फैसिलिटी नहीं मिलता है कि हाँ चलो लड़की गई और हटाक से कोई उसने कोई रिकॉर्ड बना दिया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सब अपने अपने सिचुएशन से उठ के आई है, सबने अपना फेस किया है, सबने स्ट्रगल किया है, तो वो चीज तो मैं मानूंगी। तो इतने दिन की छुट्टियां ऑफिस से मिल जाती हैं आपको? हाँ जैसे मैं अपना राइड भी करती हूँ तो ये गवर्नमेंट राइड होती है, जैसे मैं अभी ओके गई थी, हाँ जैसे अभी मैं बद्रीनाथ गई थी, वहां पर भी उन्होंने भी बोला था कि चलो मैडम दिल्ली से ट्रेवल कर रही है, तो वहां जितने उत्तराखंड पुलिस है उनको पता चल गया था कि मैडम आ रही है, तो सारा प्रोसीड्यूअल मतलब इन्फॉर्म हो जाता है वहां से, तो उसके बाद से सारा कुछ मतलब जितना भी सिचुएशन होता है लोग हैंडल कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मैडम तो आप बता सकते हो कहीं भी रुक के, तो फिर हो जाता है। और आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे तो पापा है, मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ बस। मतलब आप बड़ी दीदी हैं, बॉस हैं। और भाई कितना, मतलब कई बार ये होता है ना कि भाई बहन जो है नाम कमा रही है, पेपरों में आ रही है और एक अलग पहचान बनाई है, तो भाई का कैसा रहता है कमेंट वगैरह, क्या बोलता है वो? भाई को भी पहले स्टार्टिंग में भी वो सोचता था कि अरे दीदी कैसे करेगी, उसको भी थोड़ा लगता था डर, कभी मेरे से भी होता है कि मम्मी पापा से थोड़ा सा हटके मुझसे भी बात करता था कि आप कर पाओगे कि नहीं है, तो जैसे जैसे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो फिर उनको भी खुल के बताया कि चलो मेरा एक फायदा नहीं है करने का, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया तो भाई ने, तो एक तरफ से भी बोलूंगी कि मम्मी पापा के जितना सपोर्टिव है उतना मेरा भाई का भी। और आगे फ्यूचर में और क्या करना चाहती हैं? क्योंकि अभी आप जो है सिंगल, अगर मैं बात करूं सोलो एक गर्ल बन गई हैं, और अभी तक आपने कई जगह अपना मुकाम हासिल कर लिया है, आगे क्या सोचा है? आगे तो अभी बहुत सारा है प्लानिंग, अभी तो अभी मुझे अभी सारा कुछ मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है नॉर्दर्न एरिया का है, तो अभी हाँ जी इंटरनेशनल में सोच रही हूँ, इंटरनेशनल अभी सिंगापुर तक का मैंने अभी सोच रखा है, अभी प्लानिंग चल रही है मेरी, यहाँ से सिंगापुर हो गया फिर यहाँ से फिर लंदन हो गया, तो जितनी बॉर्डर एरिया है तो वहाँ मैं टच करना चाहूंगी, और वहाँ जितने भी इंटरनेशनल अगर मुझे अच्छा मौका मिला तो वहाँ भी फिर जाना चाहूंगी। और आप कैसा जीवन साथी अपने जीवन में चाहती हैं, कुछ सोचा है आपने? क्योंकि आप एक बाइकर हैं और इसके अलावा जॉब भी कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, और कहते हैं ना कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, तो अब जो अगर लाइफ में, क्योंकि आगे आपकी शादी होनी है, तो किस प्रकार का जीवन साथी आप चाहती हैं? अब ये तो अगर चाहूँ तो मैं अपने तरफ से भी देख सकती हूँ, लेकिन अभी ये तो मेरे मम्मी पापा ही देखेंगे क्योंकि हाँ, लेकिन कुछ अगर मेरे क्वालिटीज साइड से देखते हैं जैसे ना। अगर मैं अगर बोलना चाहे तो मैं तो घुमक्कड़ हूँ, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहीं भी छोड़ दो मैं जी तो मैं चल जाऊंगी, तो मैं चाहूंगी कि कोई जो आगे पार्टनर बने वो मेरे साथ हाँ चलो कदम से कदम मिलाए कि हाँ चलो ये भी घूमने वाली है, तो जो होंगे वो भी घूमने वाले हैं, लेकिन वो तो मैं मम्मी पापा के ऊपर ही छोड़ दूँ। और जब आप सफर तय करती हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्योंकि आप अकेले जाते हो, बाइक में जाते हो, रास्ते जो आप तय करते हो काफी पथरीले होते हैं, क्योंकि जो सड़क
आपके शहर की या आपके ऑफिस की या आपके कॉलेज की रहती, वो एक नॉर्मल रहती, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो नॉर्मल आप जो है वो राइड कर सकते हो। बट आप जो सफर तय करते हो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी रात होता है, कभी अर्ली मॉर्निंग होती है, कभी पथरीली जमीन है, कूबड़ खाबड़ है, तो फिर क्या सोच के और कैसे सारी तैयारी आप करते हो? जैसे मैं अभी जैसे मुझे कल स्टार्ट करना है तो 1-2 दिन जी पहले ही सारा कुछ प्लानिंग हो जाता है कि हाँ मुझे क्या मेडिकल किट लेना है या अलग से जो बंचर किट, जैसे अगर जा रही हो तो बाइक में तो उसका सारा कुछ सामान A to Z मेरे पास सामान रहता है। जहाँ बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जी जाएगा तो वो चीज मैं हैंडल कर लूंगी। जैसे पंचर हो जाता है तो पंचर भी मैंने सीखा हुआ है तो हाँ चलो वो बना लेती हूँ सारा कुछ। फिर मतलब जो जो मेन पार्ट्स होने चाहिए बाइक में तो सारा कुछ मैंने एक्सेसरी लगा रखा है। चार्जिंग के लिए भी मैंने लगा रखा है क्या मेरा मोबाइल का स्विच ना ऑफ हो जाए, तो वो स्पेशली वो चीज तो ध्यान में रहता है कि हाँ ट्रेवल कर रहे हो तो मोबाइल मेरा ऑन होना चाहिए कि हाँ चलो घर से भी कॉन्टेक्ट रही और कहाँ पहुंची हो तो वो चीज इन्फॉर्म कर पाऊँ। आगे भी अगर मैं कहीं करना चाहूंगी तो फिर वो चीज मतलब सबको इन्फॉर्म करके जाऊँ कि हाँ चलो करती। तो साथ साथ में एक तो चीज होता है कि दो चीज होता है, एक हमारी तबीयत खराब होगी नहीं तो बाइक की होगी, हमारी होगी तो मेरा तो सारा कुछ हाँ चलो लेके चल रही मेडिकल के जितने भी छोटी मोटी सामान हो गया है या कुछ भी, तो वो चीज सारा कुछ पूरा पैकिंग के साथ ही जाता है। मतलब कुछ चीज छूटता नहीं कि हाँ मैंने ये छोड़ दिया या मेरे से ये छूट गया, तो सारा कुछ पहले से ही प्लानिंग रहता है कि हाँ मुझे ये लेना तो सारा लिस्ट में सारा रहता है। और अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई आपकी तैयारी की, सफर आपने तय कर लिया, और कोई जो गर्ल है वो इस प्रकार की बाइक राइडर बनना चाहती है, तो उनको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले बाइक तो आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए एक न्यू कमर को? सबसे पहले तो बेसिक उनको आनी चाहिए कि हाँ आप किस रास्ते पे चल रहे हो, प्लेन रास्ता है या पथरीला रास्ता जी है, तो उस बेसिस पे भी होता है कि हाँ तो नॉर्मल तो ब्रेकिंग वेकिंग भी आना चाहिए और मेन पंचर बनाना आना चाहिए क्योंकि तो आप जब चला रहे हो 2 व्हीलर तो पंचर तो हो गई होगा, तो आपको वो चीज थोड़ा बेसिक सीखना ही होगा कोई भी हालत। हाँ ये चलो ठीक है सामने वाला अगर कहीं जाते जाते कहीं दुकान मिल गया आपको तो चलो वहां भी हो जाता है, लेकिन अगर दुकान नहीं मिला तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा, तो वो छोटा मोटा बेसिक चीज है तो वो तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा फिर। और जब आप सफर तय कर रही होती हैं तो कभी आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला? क्योंकि बाइक से आप जा रहे हो, खर्चा होता है, आप रुकते हो होटल्स में, पेट्रोल लगता ही लगता है, और सारे इक्विपमेंट्स जो आप लेकर जाते हो, तो इसमें कभी आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला है? हाँ वैसे तो बहुत मिली है क्योंकि अभी जैसे मैं टूर वूर में जाती हूँ तो अभी स्पॉन्सरशिप करते हैं इंटरनल, अभी जो अभी रिसेंटली हुई है तो वहाँ जी के चेयरमैन साहब है वाद्य साहब वो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो वो भी पूछते रहते हैं कि हाँ आपका फिर नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो सारा कुछ होता रहता है। जैसे जैसे मैं यहाँ वहाँ जाती हूँ ऊपर जितने हिमालय में तो वहाँ पर भी मैंने सर को रिक्वेस्ट भी किया था कि सर वहाँ जितने भी हाई पासिस है वहाँ पे स्पेशली पेट्रोल पंप होनी चाहिए इंडियन की, तो वो चीज वो सर को मतलब चेयरमैन सर को बहुत ध्यान में है कि हाँ चलो कंचन ने ये बोला है तो उस हिसाब से भी वो भी अपना कर रहे हैं। मैं तो जैसे जैसे जाती हूँ तो वो चीज तो इन्फॉर्म कर ही देती हूँ तो उस हिसाब से सारा कुछ हैंडल हो जाता है। सब कुछ हैंडल हो जाता है, और ऑफिस के लोग कितने खुश होते हैं क्योंकि आप एक बाइक करें, एक अलग पहचान है आपकी। नॉर्मल ऑफिस वाले जो आते हैं, आपके कलीग्स, वो अलग होते हैं। तो कैसा माहौल रहता है जब एक सफर तय करके आती हूँ और नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता है? हाँ वो तो थोड़ा हेडेक रहता है कि आप एक लंबा सफर करके आने के बाद वो जी आप थक जाते हो वो तो किसी का भी फेस में दिख जाता है, लेकिन बाद में जब मैं ऑफिस में एंट्री करती हूँ तो वो लोग पहले पूछते हैं कि अरे आपने कहाँ गए थे, आप आपका नेक्स्ट प्लानिंग कहाँ था, आपने कहाँ कहाँ टूर किया, तो वो एक मतलब एक जिज्ञासा रहता है कि हाँ मैडम आप यहाँ यहाँ गए थे, कंचन मैडम यही की है, आपने ये पासिस गई है, तो वो चीज का उनको रहता है कि
अगर छुट्टी ली है तो मतलब कहीं ना कहीं वो पास में होगी, कोई हाई पासेस में या कहीं ऐसे गवर्नमेंट टूर में गई होगी कि हाँ चलो वो अपना ख्याल रख सकती है कि हाँ मतलब जैसे जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो तो कांटेक्ट नंबर है ही, डॉक्टर का भी कांटेक्ट नंबर है, जितने भी मेरे एम्प्लॉयर का नंबर, तो उसी से भी कोऑर्डिनेट हो जाता है कि हाँ चलो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं कॉल कर सकती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि नहीं, तो उस हिसाब से सारा कुछ सिचुएशन हैंडल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। चलिए, मतलब ये कुल मिला के कहें कि घर वाले भी खुश, ऑफिस वाले भी खुश, और आपके फ्रेंड सर्कल में कैसा माहौल रहता है? क्योंकि कहते हैं ना कि गर्ल्स का अपना एक वो फ्रेंड सर्कल रहता है, जब आप पढ़ के बाहर निकलते हैं फिर उसके बाद ऑफिस में भी फ्रेंड सर्कल बनता है, तो अपने बीच की एक लड़की अगर बाइकर बनती है तो उस बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई तुमने कैसे सीखा, और उसके बाद कहाँ कहाँ गई, अकेले कैसे चली जाती हो, क्योंकि साथ का जो गर्ल गैंग है वो यही सवाल करता है। तो आपके फ्रेंड्स भी करते हैं आपसे सवाल ऐसे? हाँ वैसे तो कुछ कुछ है, तो मेरी फ्रेंड्स है स्कूल फ्रेंड्स, आज भी देखा जाए तो स्कूल फ्रेंड्स भी है कुछ, जो अभी भी मुझे देखती है कि हाँ चलो आज की जो अभी अभी की जो कंचन है वो बहुत एडवांस हो गई है, अभी वो सोलो राइड करती है, वो कहा बहुत सारे पासेस वो कंप्लीट की हुई है, उनको भी जिज्ञासा रहता है कि आप कैसे करते हो, कि एक लड़की के लिए सोलो राइड करना बहुत बड़ी बात है, सारा कुछ सिचुएशन हैंडल करना, कैसे ट्रेवल करेगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, तो वो चीज के लिए भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन मैं टिप्स देती हूँ उनको कि हाँ जो बेसिक है पहले वो आप कंट्रोल करो, उसके बाद जो आगे जो कंडीशन होगा, क्योंकि मुसीबत आती है तो बोल के कभी नहीं आती है, वो कभी भी आ सकती है, तो जो बेसिक है वो चीज आप सीखो, उसके बाद जैसे जैसे नहीं हैंडल हो पाएगा तो लोग तो है ही, वो तो देखेंगे ही, तो साथ में लोग हेल्प भी करते हैं, ऐसे नहीं है, कुछ कुछ जो लोकल वाले जहां जहां जाते हैं तो लोकल वाले हेल्प भी करते हैं, तो उस हिसाब से भी हो जाता है सारा तो कुछ। इतने पासेस आपने जो पार किए हैं उसमें सबसे यादगार कौन सा रहा? सबसे ज्यादा यादगार मुझे रहा है एक तो उमलिंगला, जो पासेस अभी उमलिंगला पास जो बनी है 19,024 फीट में, जो वो सबसे हाईएस्ट पास है, तो एक वो पासेस है और एक सासाला पास है, तो सासाला पास में मैं पहली सिविलियन गई हूँ जो पास में अब तक तो कोई नहीं गया हुआ है, तो वो एक अचीवमेंट है मेरा, तो वो चीज थोड़ी खुशी होती है कि हाँ चलिए एक मतलब गवर्नमेंट इतनी बड़ी मुझे सम्मानित किया हुआ है कि हाँ ये कंचन जाएगी तो हमारा एक मतलब अच्छा सा काम हो जाएगा, एक अच्छी सी वहां पे जाके मतलब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो चीज भी थोड़ा सा बताना पड़ता था मुझे सर को कि सर ऐसे ऐसे है, और रोड्स भी एक क्लास है वहां पे, अब जैसे यहाँ जितने टाउन में रहोगे तो आपको गड्ढे उड्ढे मिल जाते हैं रास्ते में कहीं है, लेकिन वहां पे जितने पासेस में गई हूँ रोड एक क्लास है, एक भी वहां पे मतलब कोई गड्ढे नहीं है, कुछ ये नहीं है, और अब आराम से वहां पे बाइक चला सकते हो, आराम से वहां जा सकते हो, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये चीज अच्छी गवर्नमेंट ने की है कि सिक्योरिटी वहां बहुत अच्छा है, मतलब वहां पे कोई डर नहीं है, मतलब जो एक नेगेटिव फील होते हैं वहां पे नहीं है, एकदम पॉजिटिव फील है, अगर आप वहां जितने भी पासेस में मैं गई हूँ तो वो चीज एक अलग सा फील हुआ है, तो वो फील मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है, और क्योंकि अब अकेले वहां एक लड़की जाती है तो बोलते हैं सर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, जी अब मतलब वहां जी जा रहे हो, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो उसके साथ साथ फिर सारा कुछ हो जाता है फिर। तो कुल मिला के कहें कि जिंदगी का जो सफर है बाइक से आप तय कर रहे हो, आज सरकार आपको सम्मानित कर रही है, और जहां तक बात हम ये सोच रहे थे कि बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, लेकिन आपने बताया कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, और ऐसे पासेस में अभी तक आप जो गई हैं तो वैसी जो सड़कों की आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि गड्ढे होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा किया है और दूसरा सिक्योरिटी बहुत अच्छी की है, और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हैं एज अ बाइकर भी, और अपने जॉब को भी एंजॉय कर रही हैं, तो अपने आप में जो रहता है ना कि डुअल कॉम्बिनेशन है। तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं दर्शकों को वो लड़कियां जो घर में बैठी रहती हैं डर के मारे कि भैया घर से बाहर निकलना है तो कोई ना कोई साथ जाए, वो लड़कियां जो गाड़ी चलाने से डरती हैं,
और वो लड़कियां जो घर से बाहर अंधेरे में निकलने से डरती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कंचन? उनको तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी हालत हो, कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले घर से बाहर निकले। जब तक तो घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, आपको बाहर की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर आपको बहुत सारी चीज फेस करनी पड़ती है, मतलब कुछ भी हो, ये कर सकते हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, आपको ऐसे हैंडल करना है, आपको उसको साथ ऐसे बात करना है कि कैसे मिल के रहना है, कैसे हैंडल करना, तो वो चीज सारा कुछ धीरे धीरे हो जाता है। अब घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे लाइफ में, वो कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी में जाओगे तो सिर्फ थ्योरी ही रह जाएगी, आपको प्रैक्टिकल वो करना पड़ेगा, डर से आगे आपको निकलना ही पड़ेगा, तब जाके आप आगे कुछ कर पाओ, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है घर पे बैठना। तो घर पे बैठना नहीं है, घर से बाहर निकलकर देखना है, और पहला कदम आपको बढ़ाना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंचन जी जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि तो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर भी हैं। इसके अलावा कंचन जी लिखती बहुत अच्छा है, बाइक बहुत अच्छा चलाती हैं, जॉब भी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। और देखिए, बाइक की चाहत थी लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए और फिर बाइक खरीदी और उससे सफर तय किया। ये एक उदाहरण है उस बेटी के लिए, जो बेटियां कहती हैं कि भाई हमें तो डर लगता है, और खासकर उन फैमिलीज के लिए है जिनके घर में कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुमसे होगा नहीं, लेकिन ये करके उन्होंने दिखाया है। आज एक उदाहरण पेश कर रही है, और साथ ही साथ भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया है। वो एक पहली महिला बन गई है जो कि अकेले बाइक चलाते हुए सफर तय करती है। ये अपने आप में एक अजूबा है, और उनका ये भी कहना है कि आगे उन्होंने भारत के साथ साथ अब एब्रॉड की तरफ भी कदम बढ़ाने के लिए प्लान कर लिया है। सिंगापुर, लंदन भी जाएंगी इससे अपनी टू व्हीलर से, यानी कि अपनी राम प्यारी के साथ, और मजे में गुनगुनाती हुई पूरा वो अपना इंतजाम कर लेती हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि अब सरकार भी उनका सहयोग कर रही है, और हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपना परचम फहराते रहें, हम सभी को गौरवान्वित करते रहें और खुश रहें। और जैसा कि आपने कहा कि जीवन साथी भी वैसा ही चाहिए जैसी मैं हूं, तो हमारी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगी कि जब आपका विवाह हो तो आप मुझे जरूर बुलाएं। जरूर चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से जुड़ने के लिए, और हम सभी से अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए। आपने बताया हमें कि किस प्रकार से आपने बाइक चलाना सीखा, और इसके बाद आपने इतने सारे पासेस जो है उनको कवर अप किया है, और अब उनका जो प्लान है वो अब भारत से थोड़ा सा अलग, मतलब ये कि सात समुंदर पार जाने का है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं कंचन जी, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद।